कि आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो है वो हफ्ता और इतवार जो है वो दो दिन जो है वो संडे बाज़ार लगता है क्लिफ्टन में। और आपने अगर इसके लिए आना है, क्या कहते हैं अपना, चाइना पोर्ट के लिए, तो आपको इस बाज़ार के अंदर से जो है वो होकर जो है वो आना पड़ेगा। पहले इस तरह नहीं था, पहले ये जगह ओपन थी, लेकिन अब गवर्नमेंट ने जो है यहाँ पे वो संडे बाज़ार लगाना शुरू कर दिया है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये काफ़ी लंबा जो है ये लगाया जाता है, क्या नाम है, संडे बाज़ार। तो इन्होंने अब चाइना पोर्ट जाने का रास्ता जो है वो उसके अंदर से लगा दिया, मतलब रख दिया है। और आपको अगर जाना है इस तरफ तो आप 20 रुपये जो है वो गेट पे देंगे, और उसके बाद आप इस बाज़ार के अंदर से होते हुए चाइना पोर्ट की तरफ जो है वो निकल जाएंगे। चलते हैं मज़ीद आगे और चल के जो है आपको जो है वो चाइना पोर्ट दिखाते हैं। ये चाइना पोर्ट के साथ जो आपको एक नहर बहती हुई दिखाई दे रही है, ये एक्चुअली नहर तो नहीं है, लेकिन ये बन गई है, क्योंकि ये जगह बिल्कुल सूखी होती है, यहाँ पे कोई पानी वानी नहीं होता। लेकिन आपको पता है कि अभी बारिशों का सीज़न है, जिसकी वजह से जो है वो ये जगह जो है वो गहरी थी, इसलिए जो यहाँ पे पानी जमा हो गया, और ये जो है वो इस टाइम नहर का जो है एक मंज़र पेश कर रही है। बाकी ग्रीनरी हर जगह पर है, ये सीधा रूट जा रहा है भाई चाइना पोर्ट की तरफ। तो मज़ीद आगे चलते हैं और चल के जो है वो मज़ीद आपको जो है आज चाइना पोर्ट एक्सप्लोर करके जो है वो दिखाने की कोशिश करते हैं। ये सारा एरिया जो है ये चाइना पोर्ट का रास्ता जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है, और रोड जो है वो बिल्कुल ये आप कह सकते हैं कि खड्डे हैं और पथरीला रोड है ये। इसके ऊपर अगर आप तेज़ बाइक भगाओगे और बेध्यानी में ड्राइव करोगे तो आपकी गाड़ी पंचर होने का भी ख़तरा है। बाकी अल्लाह बेहतर करेगा। चलते हैं मज़ीद आगे। Thank you.
रास्ता इतना ख़राब हो गया है, आप देख सकते हैं इसके ऊपर बाइक चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। ये पहले इस तरह नहीं था, लेकिन बारिश के बाद से जो है इस उस पर भी जो है रोड पे खड्डे पड़ गए और बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन ये दोनों अतराफ में आप देख सकते हैं, मेरे सीधे हाथ पर भी समंदर है, खड्डे हाथ पर भी जो है वो समंदर है। बीच में जो है एक रूट बनाया गया है समंदर के अंदर जाने का। अगर आपने समंदर के अंदर जाके समंदर को गहराई में देखना है तो आप ज़रूर चाइना पोर्ट की तरफ आएँ, क्योंकि ये आप देख सकते हैं कि मैं काफ़ी समंदर के अंदर जो है वो इस टाइम आ चुका हूँ। और ये एक लंबी सी पट्टी बनाई गई है, अगर आप दोस्तों को दिखाई दे रही हो तो। और काफ़ी रास्ता जो है वो आप अपना बाइक पर जो है वो तय कर सकते हैं, बाइक आ सकते हैं, और उसके बाद जो है वो आगे तकरीबन 1 किलोमीटर या आधा किलोमीटर मज़ीद और आगे जो है वो आपको जो है वो पैदल जाना पड़ता है। बाइक यहाँ पे पार्क करके आप जो है वो मज़ीद आगे की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको जो है वो अंदर जाना पड़ेगा, पैदल जाना पड़ेगा बाइक खड़ी करके। वहाँ का जो रास्ता है वो बिल्कुल भी इस तरह का नहीं है कि आप जो है उस पर जो है बाइक लेके जा सकें। यहाँ पर भी बाइक चलाना बहुत मुश्किल है, आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पत्थर हैं और नुकीले पत्थर हैं। मैंने पहले आपको बताया कि वेट ज़्यादा हो यहाँ गाड़ी जो है वो आपकी पंचर भी हो सकती है, और इस तरह की यहाँ पे कोई भी सहूलत मौजूद नहीं है जिससे जो है वो आप अगर आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हो जाए आप जो है वो ठीक करा सकें। काफ़ी अंदर जो है वो मैं आ चुका हूँ इस टाइम, मज़ीद जहाँ तक जा सकती है मेरी बाइक मैं इसको लेके जाऊँगा, और उसके बाद जो है फिर आगे जो है मैं वॉक करूँगा, वो रास्ता भी आपको दिखाऊँगा। अच्छा जी, ये देखें ये रोड है और यहाँ से नीचे आप देखें कितनी गहराई है, और ख़ास तौर पे जो हमारे नौजवान लड़के आते हैं वो अक्सर इस चीज़ का ख्याल नहीं करते और नीचे उतरने की कोशिश करते हैं। ये काफ़ी गहरा है और पत्थर भी जो है वो बहुत ख़तरनाक किस्म के जो है वो यहाँ पे लगाए गए हैं, और जब भी आप यहाँ पे आएँ तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि कोशिश किया करें कि इन पत्थरों से जो है वो नीचे की तरफ ना जाया करें, क्योंकि ये काफ़ी फिसलन होती है। बाज़ लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो यहाँ पे आके एक्साइटेड हो जाते हैं तो नीचे गिर जाते हैं समंदर के अंदर, तो ये काफ़ी डेंजरस किस्म की जो है ये ढलान बनी हुई है, तो आपने जो है वो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। अच्छा देखिए जी, मैं इन पत्थरों की बात कर रहा था, यहाँ जो है वो आपको आके जो है वो परेशानी जो है वो काफ़ी उठाना पड़ती है, यहाँ पे जो है वो बाइक नहीं जा सकती, आपकी गाड़ी नहीं जा सकती। ये देखिए नीचे कितने बड़े बड़े सुराख हैं, अगर आप यहाँ से गिर गए तो आपको चोट लग सकती है, आपकी हड्डी वगैरह भी क्रेक हो सकती है। तो यहाँ जो है वो आपको बड़े एहतियात से जो है वो इसके ऊपर चल के जो है वो आगे बिल्कुल एंड तक जो है वो जाना पड़ता है। ये तकरीबन आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर का ये रास्ता है, मैं तो अवॉइड ही करता हूँ, आगे की तरफ नहीं जाता, लेकिन काफ़ी हमारे जो नौजवान लड़के आते हैं वो जो है वो आते हैं यहाँ पे, वो आगे की तरफ जो है वो जाने की कोशिश करते हैं। तो कोशिश किया करें जितना अवॉइड कर सकते हैं इसको किया करें, बाकी हर किसी की अपनी मर्ज़ी है। ये देखिए ये फिसलन है, आप इसके ऊपर पाँव रखते हैं तो आपके स्लिप होने का जो है वो ख़तरा है, चांस है आप गिर सकते हैं, तो आपको बहुत एहतियात से जो है वो आगे की तरफ जो है वो जाना पड़ता है, और बहुत मुश्किल पत्थर है भाई, ये अजीब इनका शेप बना हुआ है। काफ़ी मुश्किल और बहुत ही कठिन रास्ता है भाई ये, और ये सामने मेरे आप देख रहे हैं ये चाइना पोर्ट है, और यहाँ पे आने के दो रास्ते हैं,
एक जो है वो आप बिलावल हाउस की तरफ से आ सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया रास्ता, मैं आपको गाइड करते हुए ही आया हूँ। और दूसरा जो है वो आप अगर मनोड़ा की तरफ जाते हैं और मनोड़ा बीच पे जो कश्तियाँ चलती हैं उसके अंदर आप बैठते हैं, तो आप जो है वो इसी चाइना पोर्ट से जो है वो होते हुए मनोड़ा बीच की तरफ जो है वो निकल जाते हैं और आपको ये देखने को जो है वो मिलता है। तो दोनों ही रास्ते ख़तरनाक हैं, लेकिन इस रास्ते से जो है वो जो केवाड़ी का रास्ता है वो कुछ बेहतर है। अब तो जो है वो हॉक्स बे से आप बाय रोड भी जो है वो मनोड़ा बीच जो है वो जा सकते हैं। तो मनोड़ा बीच से भी जो है वो आपको ये चाइना पोर्ट जो है ये सारा दिखाई देता है। तो देखेंगे कितना ख़तरनाक और मुश्किल रास्ता है, और मैं काफ़ी आगे तक आ गया हूँ लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं एंड तक जो है वो जा पाऊँगा, क्योंकि बहुत ही मुश्किल है भाई और काफ़ी मुश्किल हो रही है। ये देखें कश्ती के अंदर कुछ मछेरे जो है वो मछली पकड़ने के लिए जो है वो उतरे हुए हैं, और आप उनकी कश्ती की हालत देखें कि किस तरह कश्ती जो है वो झोल खा रही है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि समंदर में जो है वो कितनी तेज़ी आई हुई है, कितना तेज़ समंदर हुआ हुआ है, और काफ़ी जो है इसकी लहरें जो है वो तेज़ हैं इस टाइम समंदर की, क्योंकि जो पिछले एक महीने से बारिशें वगैरह हो रही हैं उसकी वजह से जो है वो समंदर भी जो है वो काफ़ी तेज़ हुआ हुआ है इस टाइम कराची का। तो ज़ाहिर है ये जो मछेरे हैं इनको भी बहुत ज़्यादा परेशानी का जो है वो सामना करना पड़ता है। बहरहाल ये लोग आते हैं और इनकी हिम्मत है भाई, और ये मछलियाँ पकड़ रहे हैं भाई। और भी ये देखें एक और मुझे कश्ती जो है वो दिखाई दे रही है, दूर दूर हैं ये, अगर करीब होती जितना मैं जूम कर सकता था मैंने करके दिखाया है। कोशिश करूँगा कि करीब से भी इन कश्तियों को जो है वो शूट कर सकूँ और दोस्तों जो है वो दिखा सकूँ। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये भाई किस तरह जो है वो इन पत्थरों के ऊपर चल के जो है वो आगे की तरफ जा रहे हैं। बहुत ही मुश्किल और ख़तरनाक किस्म के ये पत्थर हैं। आप लोग जब भी आओ बहुत ज़्यादा आप दोस्तों ने जो है वो एहतियात करनी है। अगर आप में से कोई भी बंदा गिरा तो ये नीचे देख लें कितनी गहराई है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपकी हड्डी पसली टूटने में जो है कोई टाइम लगेगा, तो बहुत एहतियात करना है। मज़ीद कोशिश करता हूँ आगे जाने की और आप दोस्तों को जो है वो बिल्कुल एंड पे जाके जो है वहाँ से भी जो है वो आज जो है वो नज़ारा करा सकूँ, कोशिश करता हूँ। ये जगह देखें जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ काफ़ी गहरी है, और नीचे उतरना भाई बिल्कुल मुश्किल हो रहा है, बल्कि मुझे तो सांस भी चढ़ गई है। अच्छा एक और बात आपको बताता चलूँ, यहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए हैं जो यहाँ पे आके जो है वो फ़िशिंग करते हैं, मछलियाँ वगैरह पकड़ते हैं, अपने साथ सारी चीज़ें लाए हैं। तो ये कह रहे हैं जी हम लोग आए हुए हैं सुबह से, तो कुछ मछलियाँ मिली भी हैं इनको, यहाँ पर आके आप जो है वो फ़िशिंग वगैरह भी कर सकते हैं। बाकी मेरी बहुत हालत टाइट हो रही है भाई, आगे जाना बहुत मुश्किल है। दोस्त चाइना पोर्ट आना चाहे उसके लिए सबसे आसान रास्ता है, ख़ास तौर पे जो गुलशन वगैरह से आना चाहे, आपने शारा फैसल पे आना, वहाँ से सीधा जो है आपने दो तलवार, और दो तलवार से जो है वो अब्दुल्ला शाहगाजी की तरफ आ जाना है, और वहाँ से जो है आप बिलावल हाउस की तरफ जो है वो आप टर्न हो जाएं। जैसे आप बिलावल हाउस वाले रोड पर आएंगे वहाँ से आपने राइट पर आना है, जहाँ पर वो एक सिग्नल पर घड़ी बनी हुई है, वहाँ से जो है वो आपने राइट लेना है। और वहाँ से जैसे राइट लेंगे तो ये सामने बिल्डिंगें बन रही हैं दो, ये अपने जहन में रखिएगा। बल्कि अब तो और भी आसान हो गया है, क्योंकि डिफेंस में जो है वो हफ्ता और एतवार के दिन जो है वो बाज़ार लगने लग गया है, तो जहाँ पे बाज़ार लगी हुई हो आपने उस बाज़ार के अंदर से जो है वो आना है, और वहाँ से जो है वो आपसे 20 रुपये लेंगे, और 20 रुपये आपने देने होंगे पर्ची के,
और सीधा जो है आपने सामने देखना है तो आपको जो है ये चानापोर्ट जो है वो काफ़ी दूर से जो है ना ये आपको दिखाई देगा। तो आप जो है वो यहाँ पे चानापोर्ट में जो है वो इस तरह से जो है वो आ सकते हैं। अच्छा जी, जो लोग यूज्ड हुए हैं इन पत्थरों के ऊपर चलने के लिए, जो यहाँ पे आते जाते रहते हैं, वो लोगों के लिए तो कोई मसला नहीं है। लेकिन जो मेरे जैसे लोग हैं जो कभी कभार आते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल है भाई इन पत्थरों के ऊपर चलना। तो मैं तो खैर अवॉइड कर रहा हूँ, मज़ीद आगे नहीं जा पा रहा क्योंकि बहुत मुश्किल है मज़ीद आगे जाना। इस भाई को देखें माशाल्लाह से ऐसे जा रहे जैसे रोड पर घूम रहा हो, और हम लोगों से जो है वो बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा। तो इस पर टेक्निक है, टेक्निक यूज़ करनी पड़ती है, फिर बंदा जो है वो बिल्कुल एंड में जो है वो चला जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आज की जो ये वीडियो है चानापोर्ट की, आप दोस्तों को पसंद आई होगी। जाते हुए बस एक ही रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और आप दोस्तों को जब भी मौका मिले चानापोर्ट का जो है वो आपने ज़रूर विज़िट करना है, अपनी फैमिली के साथ आना है। आप लड़के भी आ सकते हैं, बैचलर ग्रुप बना के यहाँ पे फिशिंग करें, टाइम पास करें अपना, समंदर के किनारे बैठें और उसके बाद जो है वो अपने घरों को निकल जाएं। लेकिन जाते जाते एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि प्लीज़ गंदगी यहाँ पे ना किया करें। किसी भी सी साइड पे जाएं, किसी भी पार्क में जाएं, कोशिश किया करें कि गंदगी से अवॉइड करें। जो चीज़ भी अपने साथ लाते हैं यूज़ करने के बाद, फिर दोबारा आप जो है वो अपने साथ ले कर जाएँ और इस चीज़ को जो है वो डस्टबिन में फेंकें। चलें जी, मैं भी जा रहा हूँ वापस। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आप दोस्तों को जो है आज चानापोर्ट दिखाया जाए और इसको एक्सप्लोर किया जाए। एक भाई मिल गए, इसको भी लिफ्ट दे दी मैंने, इनको भी छोड़ना है आगे। और बहुत मज़ा आया, काफ़ी ज़बरदस्त और बेहतरीन किस्म की ये जगह है। आप दोस्तों को जब भी टाइम मिले अपनी फैमिली के साथ ज़रूर यहाँ पे आएँ, यहाँ का विज़िट करें और अपने साथ खाने पीने की चीज़ें ज़रूर लाएँ, क्योंकि आपको यहाँ खाने पीने की कोई भी चीज़ नहीं मिलती। बाकी बहुत ज़बरदस्त एटमॉस्फेयर है यहाँ का, और ठंडी ठंडी हवा थी। समंदर जो है वो इस टाइम अरूज पर है, और ठाटे मारता समंदर जो है वो आपको देखना है तो आप चानापोर्ट की तरफ आएँ। इंशाल्लाह आप दोस्तों से फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में, किसी नई जगह पर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।